ईद हो और मिठाई ना हो मुमकिन नहीं। मिठास की ईद और खुशियां दुबाला कर देती है। कराची से हमारे नुमाइंदे कफील अहमद इस वक्त मिठाई की दुकान पर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि शहरी किस तरीके का ज़ौक रख रहे हैं ईद के हवाले से और किस तरीके से ईद मना रहे हैं। देखिए, ईद उल फितर हो और उसके साथ रिवायती तौर पर मीठा ना हो ये मुमकिन नहीं है। मेरे अकाउंट में ये रश देख रहे हैं आप, माशाल्लाह से हर फर्द जो है वह मिठास के लिए यहाँ खरीदने के लिए मौजूद है, जिसमें मिठास के लिए डिफरेंट केक्स भी मौजूद हैं वैरायटी के लिहाज से। मोहसिन मेरे साथ मौजूद है। मोहसिन, क्या क्या वैरायटी है यहाँ, ज़रा बताएं लोगों को। केक में हमारे पास चॉकलेट फज है, चॉकलेट मिल्क फाई है, पाइनएप्पल है और पिस्ता पाइनएप्पल है। जी, पिस्ता पाइनएप्पल के अलावा कुछ यहाँ जो ख़रीदार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप मिठाई खा तो रहे हैं लेकिन ये बताइए, ईद का दिन है, पहला दिन और मिठास, ज़रा मुझे देखते हुए बात कर लीजिए, क्या कहेंगे? नहीं, माशाल्लाह इनका जो वैरायटी है और सब जो है माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है। आपने खरीदी, आपको मिठाइयों में कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है? मैं कच्चा गुल्ला। थोड़ा सा आगे आए, मिठाई लेने के लिए आप आए हैं, क्या कहेंगे? बहुत खुशी का त्यौहार है। खुशी का त्यौहार है और लोग गुलाब जामुन खरीदे, क्या खरीद रहे हैं? गुलाब जामुन खरीदने के लिए यहाँ मौजूद हैं और खवातीन भी हैं, मर्द हज़रात भी हैं, बच्चे भी हैं, केक्स भी खरीद रहे हैं और मिठाइयों से लुत्फंदोज हो रहे हैं। जी, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।